This video is going to be long and in English almost. I want to trigger my audience on a global level, so it is just for that only. So please guys, it is a request कि साथ में popcorn और drink जरूर लेके ही बैठना और enjoy करना इस video को. So without wasting any further more time, let's get straight into the video. Hey guys, I'm Saurav and today's video going to be a bit challenging for me, but on whole different level, at least for me, because I haven't tried this before. So you might know, if you are a movie freak, that one of the most awaited Marvel series, WandaVision, is about to release on Disney Plus in India on 15th of January. इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धोलूं एक अच्छे से ड्राइंग बना के. तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि किस टॉपिक पे ड्राइंग बनाऊं. फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना वांडा aka स्कारलेट विच एंड विजन को एक साथ हाफ हाफ ड्रॉ करूं. मेरा मतलब लेफ्ट साइड वांडा एंड राइट साइड विजन. लेकिन जब मैंने रेफरेंस फोटो इमेजिन किया तो वो बहुत ही बेकार लग रही थी. तो मैंने सोचा क्यों ना साइड बाय साइड ड्रॉ करूं एंड देन इन्हें आपस में मर्ज कर दूं. सो गाइस, मैं इस ड्राइंग को अब आपके लिए और स्पॉइल नहीं करूंगा. आप खुद ही देख लो मैं क्या बनाने वाला हूं. गाइस, मैंने इसकी आउटलाइन ऑलरेडी बना ली है, तो अब सीधा ड्राइंग से ही स्टार्ट करते हैं. मैंने इसे लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है एंड राइट हैंड साइड पे ख़त्म करूँगा ताकि ड्राइंग को अनइंटेंशनली समझ से बचा सकूँ. प्लस इसीलिए मैंने टिश्यू पेपर भी रखा है. बाय द वे गाइस, मैं यहाँ बताना भूल गया, मैं आइवरी का 210 GSM पेपर यूज़ कर रहा हूँ. तो समझ रहे हो ना, ड्राइंग काफ़ी स्मूथ बनने वाली है. एंड गाइज, मैं पहले ही सॉरी कह रहा हूँ अगर मैंने लाइट एंड शेडोज बनाने में गलती कर दी, क्योंकि ये ड्राइंग बिल्कुल ही अलग होने वाली है और मेरे पास इसकी रेफरेंस इमेज भी नहीं है. मैंने इसे एलिजाबेथ ओल्सन एंड पॉल बैटनी aka विजन के बहुत सारे इमेजेस को कंबाइन करके अपने मन में ही एक इमेज इमेजिन की है और मैं सारी ड्राइंग वहीं से इमेजिन करके बना रहा हूँ. हाँ, लेकिन मैंने आउटलाइन बनाने के लिए गूगल की काफ़ी हेल्प ली है, जैसे कि कुछ अपेयरेंस इसकी मैंने कॉमिक से उठाई है एंड कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट से एंड गाइज कुछ मूवीज से भी, और हाँ काफ़ी कुछ मैंने अपनी तरफ से भी चेंज किया है. गाइज, इस ड्राइंग में मैंने दोनों ही चारकोल एंड ग्रेफाइट यूज़ किए हैं. जो पार्ट पिच ब्लैक है उसके लिए मैंने चारकोल एंड जो पार्ट लाइट है उसके लिए ग्रेफाइट. एंड जो जानना चाहते हैं कि मैंने ब्रांड कौन सा यूज़ किया है, तो मैं बता दूं, चारकोल पेंसिल बियानो की है एंड ग्रेफाइट पेंसिल स्टैडलर की. बाय द वे, मैंने यूज़ किए हुए सारे टूल्स के नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है. वैसे गाइज, अब तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि ओवरऑल ड्राइंग बहुत ही डार्क बन रही है. मैं इसका रीज़न बताना चाहता हूँ. तो जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा ही होगा कि विजन वाइब्रेनियम से बना है एंड उसकी बॉडी रेड मेटेलिक कलर की है, जो सच में बहुत डार्क कलर है स्किन कलर के कंपैरिजन में. एंड दूसरी साइड वांडा है जिसका स्किन टोन लाइट है और यू कैन से ऑपोजिट टू ईच अदर. इसलिए मैंने वांडा एंड विजन दोनों के बीच का स्किन टोन रख लिया. हालांकि ये भी बहुत डार्क है, बट स्टिल इससे ड्राइंग थोड़ी बैलेंस हो जाएगी दोनों साइड से. मैंने यही टेक्निक इनके आईज, लिप्स, नोज, एक्चुअली ऑल ओवर बॉडी पार्ट पे यूज किया है. नाउ गाइज, फेस के बाद बारी आती है इनके बॉडी की. तो जब मैंने इनका फेस कंप्लीट कर लिया और कुछ टाइम के बाद माइंड रिफ्रेश करके वापस से इसे देखा, तो मुझे इसमें फेशियल वैल्यूज मेल से ज़्यादा फीमेल के दिखे. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे फीमेल ही बनाऊंगा. और मैंने इस बात पे पूरा ध्यान दिया है कि इस करेक्टर की अपेयरेंस बहुत स्ट्रांग एंड रेकलेस बट वेल ऑर्गेनाइज्ड रखनी है. मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ओवरऑल करेक्टर कैसी लगी, स्ट्रांग या फिर नॉर्मल. बाय द वे गाइज, मैंने इसका आउटफिट काफ़ी हद तक विजन जैसा रखा है, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है.
So guys, the artwork has been completed. Now enjoy the reveal. Boom. सो गाइज, ड्राइंग कंप्लीट करके जब मैंने ये अनमोल को दिखाया तो उसे ये काफ़ी पसंद आई, बट उसने मुझे सजेस्ट किया अगर मैं इसे कलर में बनाता तो ये और भी अच्छी लगती। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसे कलर में भी एक ट्राई दूँ, इसलिए मैंने ये ड्राइंग अनमोल को सौंप दी ताकि वो इसमें डिजिटली कलर्स ऐड कर सके। सो अनमोल, वेलकम टू माई चैनल। Today's this video is going to be a transformation of his drawing into a digital art, where I will make sure to make the concept more realistic yet a drawing. So without wasting any further more time, let's roll the intro. Firstly, I started finding images that fit the demand of the concept just fine. Then I started adding the color samples from the reference images, and then I added colors using gradient map. Here what I did is, I started filling the colors for skin, overall face and for the breast. To make sure of the perfection of edges, I used pen tool for masking. After that, I started filling color in other sections as well, but started with the red horn band on Wanda's head. Then moving on to vision with blue metallic color. Then I simply started imagining the reference, like which part needs what color. I started with yellow metallic color first on the chest, then moved on to the neck. Because I was using smart object and mask, the details were preserved just like I wanted them to be, and fixed other parts of the paint with accuracy. Then I removed colors from the eyes and started doing the stuff needed for them. Then I tweaked the color of the skin a little bit. I fixed the eyeballs as well. For that, I took lot of the help from reference images. Guys, you might feel like that what I am doing is just adding color to the parts it needed. But trust me guys, the real magic is about to come. Then I extracted the model layer from the background. Guys, if you feel like that what I am doing is unclear to you or with your concepts, then I do have 2-3 options available for you. You should have basic knowledge to concept that how and why things work. Sometimes you don't need to understand the logic or reasons behind something, but just to feel it. Mixture of two colors make third. But what is the reason behind it? Obviously, the chemical reaction. But if you go and find why it works like that, it is not for everyone, guys, to understand easily. You can watch my beginner's video for Photoshop to get started with, or else you can enjoy watching the stuff on your screen and consider it as magic. So, moving on to next part, guys. I added shadows a bit to give light a direction that it's going from right to left. Then after making a path, I made shadows beneath the metal, on the face and on every possible place. I added some darken shadows at some places where it is needed. So after finishing with shadows, I moved forward. I painted the highlights on the hair and adjusted the hair of Wanda a bit with some more shadows and highlights. My main aim was to make it look as realistic as possible, but at the same time, I tried that it fit under the category of drawing. Then this part of making shadows and highlights are like, it creates the balance every time, everywhere, that where some changes need. So you might get a vision of it in my overall video, where I'll be making highlights by making photo bright and making shadows by darkening it.
Then guys, I felt like everything is going very smooth, but there is less life in the eyes of the character. So for that, the very first thing came into my mind was anime and all those female characters. जिनके पास मेरे दिल के टुकड़े आज भी संभाल कर रखे हुए हैं. बट इफ़ आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज अलीटा फ्रॉम इंडियन वेब सीरीज नेम्ड फ्लेम्स. जस्ट जोकिंग गाइस, आई मेंट अलीटा फ्रॉम मूवी अलीटा बैटल एंजल. सो आई कंप्लीटली मेड अ वाइड गैस फॉर वांडाज आई एंड एवरी अदर सिंगल डिटेल विच मैटर. देन आई अप्लाइड द सेम इफेक्ट ऑन विजन्स आई. एज ऑफ नाउ आई डिड एक्सपेरिमेंटेशन विद वांडा. I know what exactly to do with Vision's eye. Then after that, I adjusted the eyebrows. So, moving on to the next part, which was the lips. And that part was little dramatic, my friend. For lips, the very first thing came into my mind was a Maybelline New York ad. I want to make them as seductive as possible. कि फिर चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों का दिल पिघल जाए यार. इसके बाहर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो मेरे घर वाले भी देखते हैं. सो टू मेक श्योर टू गेट माई डिजायर्ड लुक, मैंने रेफरेंस देखना शुरू कर दिया. एंड ट्रस्ट मी गाइज, फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज अ डिजास्टर. लाइक आई कम्प्लीटली मैस अराउंड, जो कुछ देर देखने के बाद बोर सा लगने लग गया मुझे. देन आई थॉट आई शुड गिव इट अनदर ट्राई. दिस टाइम प्रीटी स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वॉज हेडिंग टूवर्ड वट आई डिजायर्ड फॉर. वेल, लिप्स लुक डैम गुड आफ्टर आई कम्प्लीटेड दैम. आई लिटरली एडमायर दैम फॉर 5 to 10 minutes जस्ट ऑन माई स्क्रीन. As I have told earlier, कि बीच बीच में shadows और highlight में changes दिखेंगे, तो वही हुआ. To maintain a balance and color harmony, I did everything needed. Then here it comes, the thing which was there all the time asking to make changes to it, but I heard nothing. It's none other than our tiny little, लेकिन बहुत बड़ा soul stone. So firstly, I started with the glue and refined its near area. I felt that drawing was not giving a good vibe, like there was really an Anantmani in front of you. So I added a crystal and changed the color to yellow. Later on guys, I added details like the shadows and the highlights and did same for the spot which was holding the stone. So finally guys, still here stuff that is needed to be done in the sketch is complete and I was about to send it to Saurav, but my mind stopped and then he said, let's add some more salt and pepper to it and give it a retro vibe. So what I did is, I added color on both the sides, red on the left and blue towards the right, increased the saturation a bit and added the stars in the background and put a text PNG of the name of the show in the front. But looking at the color of the Vision's eye, I thought let's split the color into red and green side. Then after adding the depth, I proceed toward the skin to make it smooth. But yaar, lag raha tha jaise Oppo ke phone se photo kheech kar Beauty Plus app mein edit ki ho. And I really don't wanted that. So for balance, I decreased the smoothening effect that I made earlier and did dodge and burn to give shape to the face. You can see this in the mask, the amount of efforts invested. After few more changes, booming toward the final step. So for final color correction, it is ultimately a person's choice of what the creator wants to make or what seems good. I tweaked everything and harmonized them. I tweaked every single color. Then comes the lighting part. I made it travel through the gradients, which personally I feel helped a lot. Make sure to comment down below to let me know whether I succeed or not. After all the changes and adding watermark into my photo, here it is guys, final reveal of the concept. Boom!
आई होप यू गाइज एंजॉयड द रिवील. इफ येस देन गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन योर फ्रेंड्स मे टू. एंड या गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आर्टिस्ट सौरव एंड अनमोल दीप एडिट्स टू गेट फ्यूचर नोटिफिकेशन. लव यू गाइज बाय. Hey guys, I'm Saurav and today's video going to be a bit challenging for me, at least. One of the most awaited Marvel series, WandaVision, about to release on 15th January. On 15 January. On Disney Plus. यार ये छोड़ देता हूँ बोल ला दे that one of the most awaited Marvel series. ठंडा होके क्यों बोल रहा है? सारा दोनों टेक दे देंगे फिर उसके बाद उसमें से मैं हाफ अपना गाड़ दूंगा हाफ तेरा गाड़ दूंगा. ये क्या बात हुई? रहने दे देखो ना इनोवेशन पसंद नहीं है. बैठ जा तू वही पुरानी चीजों पे फिट रह बस. ये ले पेंसिल ले ले और यहीं पे रख के जाइए घर मत ले जाइए उसने. Take 69 for outro. And guys, make sure to subscribe our channel. Artist Saurav. मेरा भी. मेरा भी मेरा भी. फिर से. अनमोल का भी कर लेना. ठीक है. Love you guys. Love you guys. Bye. ओह इधर तो हालात ही लग गए पीछे से सब इजी लगता है. है ना है ना फटती है ना वहां बैठ के याद ही नहीं आ रहा मेरे को. हाँ चलो ये है टेक 69.1. रुक जा सबसे पहले मेरे को ना वो दिखाने दे कि हमने कितनी जद्दोजहद से हमने ये वीडियो शूट की. सबसे पहले ये हमारा माइक और ये हमारा लाइट का सोर्स. यहाँ पे पड़ा था ट्राइपॉड और यहाँ पे रखा हुआ था लैंप और पीछे चल रही थी रिकॉर्डिंग जो घंटा पता नहीं कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है.